उधर दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में तकनीकी खराबी आने की वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो की येलो लाइन पर कुतुब मीनार और सुल्तानपुर स्टेशन के बीच ओवरहेड वायर टूट जाने की वजह से दोनों स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा ठप हो गई। अचानक ओवरहेड वायर टूट जाने की वजह से दोनों तरफ से आ रही मेट्रो बीच में ही रुक गई, जिसके बाद यात्रियों को पैदल ही स्टेशन तक पहुंचना पड़ा। इसके अलावा मेट्रो सेवा ठप होने की वजह से इस रूट पर पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक येलो लाइन पर सेवा फिर से बहाल करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के ने इस रूट पर यात्रियों को राहत देने के लिए अतिरिक्त फीटर बस सेवा भी शुरू की है। हालांकि ये अब 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है जब ये स्थिति ऐसी ही है। येलो लाइन में ये खराबी आने के बाद जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि सुबह के वक्त में ये खराबी देखी गई, जिसके बाद जो लोग ऑफिस जा रहे हैं या अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए निकल रहे हैं उनके लिए खासी दिक्कत उन्हें हुई, दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। मेट्रो की ये येलो लाइन, हालाँकि प्रशासन की तरफ से मेट्रो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही इस खराबी को सुलझा लिया जाएगा और यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए अतिरिक्त फिटर बस सेवा भी शुरू की गई है ताकि यात्री ज़्यादा उन्हें दिक्कत ना हो। दीपक रावत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या येलो लाइन जो है वो अभी भी खराब है या स्थिति है, कब तक सही हो जाएगी ये लाइन? जी देखिए, अभी भी जो ओवरहेड वायरिंग है जिसमें फॉल्ट बताया गया था डीएमआरसी की तरफ से, उसमें अभी भी काम चल रहा है। टेक्निकल इशू बताया गया था, 9:30 बजे सुबह का ये टाइम दिया गया है जो डीएमआरसी ने बताया, जिसमें जिस वक्त ये ओवरहेड वायरिंग में जो है प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद से हजारों यात्रियों को किसी न किसी तरीके से इमरजेंसी डोर खोलने के बाद निकाला गया। कई लोग ट्रैक से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, वीडियो कई लोगों ने शेयर किया है ट्विटर पे, उसमें भी दिखाई दे रहा है कुछ, हमने भी सामने देखा। तो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी क्योंकि सुबह का समय था जब लोग दफ्तरों की तरफ निकलते हैं, ऐसे में परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई। डीएमआरसी को भी इस समस्या से जूझने में काफी वक्त लग रहा है। हालांकि डीएमआरसी बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि इसमें भगदड़ ना करें और कोशिश ये की जा रही है कि सबको आसानी से इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन फिलहाल कोशिश जारी है। अभी तक जो फॉल्ट आया है ओवरहेड वायरिंग में उसको सॉल्व नहीं किया जा सका, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। मेट्रो की येलो लाइन पर कुतुब मीनार और सुल्तानपुर स्टेशन के बीच जो है ये ओवरहेड वायर टूट गया, जिसकी वजह से दोनों स्टेशनों के बीच जो मेट्रो सेवा है वो ठप हो गई। ये दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से येलो लाइन में खराबी, ओवरहेड वायर जो है वो अभी टूट गई, अभी उसे सही करने का काम चल रहा है।